काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली पर तालिबान ने फायरिंग कर दी। इसमें मची भगदड़ में कई महिलाओं के घायल होने की खबर है। बता दें, पंजशीर की जंग में पाकिस्तान के दखल और तालिबान का साथ देने से अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा है और वो लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग भी कहने लगे हैं कि हमने बीजेपी के प्रलोभन भरे वादों के बहकावे में आकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। बीएसपी की सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की सुरक्षा, सम्मान, तरक्की के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर उपचुनाव हराने के लिए कमर कस ली है और भवानीपुर विधानसभा सीट से अपने दिग्गज नेताओं को उतारने पर विचार कर रही है। पिछले साल नवंबर में हुए प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो बाइडेन के हाथों शिकस्त खाने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 में फिर चुनाव मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं। इस बीच खबर है कि ट्रंप की पत्नी मेलेनिया उनके इस फैसले से खुश नहीं है। दावा किया जा रहा है कि अगर ट्रंप मैदान में उतरे तो मेलेनिया उनका समर्थन नहीं करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन कर चुके हैं और सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। हालांकि कोविड-19 की वजह से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर्व का उद्घाटन किया। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव को लेकर पहल की गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक समान हैं। मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है। भागवत ने कहा है कि हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं बल्कि भारत वर्चस्व की सोच रखनी होगी। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोविड-19 टीके की 31,67,000 खुराकें दी गई, जिसके साथ ही यहां कुल 8 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा खुराक के साथ जिले में लखनऊ शीर्ष पर रहा। देश में कोरोना के आंकड़े सोमवार को राहत देने वाले रहे। बीते 24 घंटे में 30,164 नए केस दर्ज किए गए, 42,946 मरीज ठीक हो गए और 290 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही एक्टिव केस में 13,086 की कमी दर्ज की गई। ये लगातार दूसरा दिन था जब इसमें कमी आई। अभी 3,85,000 लोगों का इलाज चल रहा है। वैश्विक कोरोना वायरस मामले बढ़कर 22,01,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 45,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 5 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये आंकड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इन जिलों में ठाणे, पालघर, रायगढ़ और मुंबई शामिल है। इससे पहले बरसात के बाद हुई तबाही को देखते हुए इन सभी जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है।